एक कहावत है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ठीक उसी तरह एक खाकी वर्दीधारी भी पूरे महकमे को बदनाम कर देता है। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना इलाके में एक परिवार की 6 सदस्यों की हत्या के मामले में आईपीएस चक्रेश मिश्रा ने गुडवर्क के चक्कर में मृतक अनुराग को ही आरोपी बना दिया और मां पत्नी समेत 3 मासूम बच्चों की हत्या का कलंक भी लगा दिया। आखिर क्यों आईपीएस चक्रेश मिश्रा विवादों में घिरे, देखिए इस रिपोर्ट में। 2015 बैच के आईपीएस चक्रेश मिश्रा का विवादों से पुराना नाता रहा। बात सितंबर 2018 की, जब चक्रेश मिश्रा ट्रेनी आईपीएस के तौर पर सीओ गोमती नगर का कार्यभार संभाल रहे थे। 28 सितंबर की रात को करीब 12 बजे विवेक तिवारी अपनी एसयूवी कार से लौट रहे थे। इस दौरान रात्रि गश्त पर लगे 2 सिपाहियों ने कार को रुकवाया, जिसको लेकर विवेक तिवारी की सिपाही संदीप से बहस हो गई। बहस के बाद सिपाही ने विवेक तिवारी को गोली मार दी। हम आज 6 साल पुराने चर्चित हत्याकांड की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तत्कालीन सीओ चक्रेश मिश्रा ही वर्तमान में सीतापुर जिले के कप्तान की कमान संभाल रहे हैं। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में 11 मई की रात को एक ही परिवार के 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचे आईपीएस चक्रेश मिश्रा ने इस परिवार को न्याय दिलाने की जगह ही अनुराग को शराबी बताने के साथ अपने परिवार का हत्यारा तक करार दे दिया। ये वही आईपीएस चक्रेश मिश्रा है जिन्होंने गोमती नगर में हुए विवेक तिवारी हत्याकांड के मामले को दबाने और पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए भरपूर कोशिश की थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए एक मुहिम भी चक्रेश मिश्रा ने शुरू कराई थी। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने काला फीता बांधकर विरोध किया था। इतना ही नहीं, आरोपी सिपाही संदीप और प्रशांत के मुकदमे में सहयोग के लिए पुलिस विभाग से पैसे भी इकट्ठा कराने में सहयोग किया था। खाकी वर्दीधारी वो भी थे जिन्होंने वर्दी के सम्मान के लिए विकास दुबे एनकाउंटर में अपने प्राणों की आहुति दे दी। खाकी वर्दीधारी वे भी थे जो उमेश पाल की रक्षा में शहीद हो गए। समाज के सामने पुलिस के 2 चेहरे हैं, एक जो रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देते हैं, दूसरा चेहरा सीतापुर जिले के कप्तान चक्रेश मिश्रा का, जिन्होंने कुर्सी और पावर का रौब कम ना हो इसलिए एक इज्जतदार परिवार की हत्या का खुलासा करने की जगह उसे ही हत्यारा बना दिया और अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए एसपी चक्रेश मिश्रा ने अनुराग को शराबी और नशे का लती बताते हुए मानसिक रूप से विक्षिप्त करार दे दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की थ्योरी को ही नकार दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि अनुराग को 1 नहीं 2 गोलियां लगी हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास को अगर उठाकर देखा जाए तो कहीं भी एक व्यक्ति खुद को 2 गोलियां एक साथ कैसे मार सकता है। ऐसी घटना ना तो सुनी और ना ही देखी गई। लेकिन चक्रेश मिश्रा ने ऐसी थ्योरी तैयार की कि आरोपी पूरी तरह बरी हो जाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस हत्याकांड की थ्योरी को बदलने वाले सीतापुर एसपी चक्रेश मिश्रा पर क्या कार्रवाई होगी? मृतक को हत्यारा बताने वाले सीतापुर कप्तान पर कब होगी कार्रवाई? आपको बता दें कि लखनऊ में अंडर ट्रेनिंग के तौर पर चक्रेश मिश्रा सीओ गोमती नगर का चार्ज संभाल रहे थे। उसी दौरान विवेक हत्याकांड भी हुआ था। आपको बता दें कि सूत्र बताते हैं कि पुलिस को काली पट्टी और विरोध दर्ज कराने के लिए इन्होंने ही कहा था। यही नहीं, साथ ही मुकदमा लड़ने के लिए विभाग से पैसे भी इकट्ठा करवाए थे। अब सीतापुर में निर्मम हत्याकांड हुआ जिसके बाद आईपीएस चक्रेश मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में है। इन्होंने पूरे हत्याकांड की थ्योरी ही चेंज कर दी। फिलहाल एसटीएफ और आईजी जोन क्राइम टीम ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस की माने तो मृतक अनुराग सिंह के भाई अजीत सिंह को इस हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से ये अधिकारियों ने मृतक अनुराग सिंह को मानसिक रूप से बीमार बताया, ऐसे अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई की जाएगी, ये देखना होगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ शादाब सिद्दीकी, आनंदी टीवी, लखनऊ।